ठीक है ना। अब रेक्टिफायर का काम क्या है, आपके पास एसी है, डीसी बनानी है, रेक्टिफायर लगा दो, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट बनाना है, मतलब कि इसमें तो फ्रीक्वेंसी है और इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, मुझे सिर्फ क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी खत्म कर देनी है, डीसी बन जाएगी, ठीक है। अब रेक्टिफायर कितने टाइप के हैं, हाफ वेव वाला होता है, फुल वेव वाला होता है, ब्रिज वाला होता है। हाफ वेव के अंदर एक ही डायोड लगेगा, वही एक या तो फॉरवर्ड होगा पॉजिटिव साइकिल के टाइम पे, और नेगेटिव साइकिल जब आएगी तो वो रिवर्स बायस हो जाएगा। फुल के अंदर हमारे पास दो डायोड है जो हम लगाते हैं, इसमें अब आपके पास डायोड फर्स्ट, अब इसके अंदर क्या होगा, आपके पास है पॉजिटिव साइकिल के टाइम पे हमारे पास डायोड वन तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और उसी सेम टाइम पे आपके पास डायोड टू रिवर्स बायस होगा, एक टाइम पे एक ऑन रहेगा और एक दूसरे वाला ऑफ रहेगा, ठीक है। जब आएगी नेगेटिव साइकिल, अब नेगेटिव साइकिल के अंदर आपके पास डायोड वन जो कि पहले फॉरवर्ड था, अब क्या हो जाएगा, रिवर्स, और डायोड टू जो कि रिवर्स बायस था वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, मतलब एक टाइम पे एक डायोड करंट को जाने देगा, दूसरे वाला रोकेगा। इसी तरह से ब्रिज के अंदर चार डायोड होते हैं, इसमें D1 और D3 ये पॉजिटिव में फॉरवर्ड रहेंगे और D2 और D4 रिवर्स बायस रहेंगे, इसका मतलब करंट D1 और D3 में से तो जाएगा पॉजिटिव साइकिल में, लेकिन D2 और D4 में से करंट नहीं जाएगा। और जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो नेगेटिव साइकिल के अंदर हमारे पास अब फॉरवर्ड रिवर्स हो जाएगा, मतलब इनमें से अब करंट नहीं जाएगा, अब करंट किस में से जाएगा, D2 और D4 में से, ठीक है।